नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान के क्वेटा में पुलिस पेट्रोलिंग सेंटर पर बड़ा आतंकी हमला, 60 कैडेट्स की मौत, सैकड़ों घायल, 3 आतंकवादी भी मारे गए। मुलायम सिंह यादव की फटकार के बाद आज वापस लिया जा सकता है अखिलेश का फैसला। सूत्रों के मुताबिक शिवपाल सहित 4 बर्खास्त मंत्रियों की हो सकती है वापसी। रविवार को अखिलेश ने 5 मंत्रियों को किया था बर्खास्त। यूपी में कांग्रेस को मिल सकता है प्रियंका का साथ, पार्टी की हाई लेवल मीटिंग में हुई शरीक, लेकिन प्रचार में शामिल होने पर अभी भी सस्पेंस जारी। शहीद सुशील को आज कुरुक्षेत्र में दी जाएगी अंतिम विदाई, जम्मू के आरसपुरा सेक्टर में पाक रेंजरों की गोलीबारी में हुए थे शहीद। पाकिस्तान सरकार ने जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर समेत 5100 संदिग्ध आतंकियों के बैंक खाते किए फ्रीज। इन खातों में 40 करोड़ रुपए से अधिक पाकिस्तानी रुपए जमा होने का अनुमान। और इंडियन सुपर लीग में आज घरेलू मैदान में होगा कोलकाता का मुंबई से सामना। अभी अंक तालिका में कोलकाता दूसरे जबकि मुंबई चौथे स्थान पर है। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।